सो दोस्तों अपने आगे की बात शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 से 125 तक हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन कवर करने हैं। बच्चों पूछ रहा है कि सरहुल पर्व का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस राज्य के जनजाति समुदाय से है। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरहुल पर्व जो है बच्चों ये झारखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है। पूरे झारखंड क्षेत्र में ये मनाया जाता है और वहाँ के प्रमुख त्यौहारों में से एक है। बच्चों देखिए ये सब त्यौहार बच्चों अपने अपने क्षेत्रों में नववर्ष के आगमन पर होते हैं। यानी कि नववर्ष का मतलब बच्चों ये अंग्रेजी नववर्ष से नहीं है। नववर्ष का मतलब अपने अपने कैलेंडर के हिसाब से जो नंबर्स बैठते हैं उसके हिसाब से है। तो ये बहुत सारे त्यौहार आपने देखा होगा कि सब अपने अपने त्यौहारों के हिसाब से यानी कि अपने नंबर्स के हिसाब से मनाते हैं। जैसे कि अभी एक उत्सव था नवरोज के दौरान बनता था, ऐसे यहाँ पे सरहुल जो है ये नववर्ष के आगमन का सूचक है। ये त्यौहार ओराव मुंडा और हो, ध्यान रखना बच्चों, ओराव मुंडा और हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओराव मुंडा और हो, ये तीन जनजातियाँ हैं जिनके द्वारा ये त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। हालांकि बनता तो ये पूरे झारखंड में ही है। संगीत निर्देशक ए आर रहमान का पहला नाम क्या था? देखिए संगीत निर्देशक जो ए आर रहमान हैं इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। इनका जो वास्तविक नाम है वह है दिलीप शेखर। यस, तो ये इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ए आर रहमान के बचपन का नाम दिलीप शेखर था और इनके पिता का नाम है आर के शेखर। तमिल और मलयालम फिल्मों के ये बहुत प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर और अच्छे अच्छे गीत इन्होंने लिखे भी हैं। अपने पिता की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद में इन्होंने सूफी संत पीर करीमुल्ला शाह कादरी के आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। तो बच्चों इनके माँ ने भी इस्लाम धर्म कबूल किया हुआ है। राउफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति डेथ हुई है। बच्चों इसके बारे में ये तो कई बार आपका आ चुका है। अभी मैं सिर्फ 103 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और लगभग मैं इसको अब तक 4 बार देख चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना प्रॉफिट मिल रहा है ये आप लोग देख ही रहे हैं। तो बच्चों ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, इसके बारे में हम लोग बार बार आपको बता रहे हैं यहाँ पर। यस, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है, हर साल डे जनता के लिए खोला जाता है। बच्चों अभी आपको याद होगा कि मुगल गार्डन का इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। अब क्या नाम कर दिया गया है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो बच्चों ये मुगल गार्डन है, ये हर वर्ष जो है जनता के लिए खोला जाता है। तो बच्चों जनता के लिए खोला जाता है ये फरवरी और मार्च के दौरान। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। कहीं हजारों तरीके के फूल बच्चों यहाँ पर हैं। केवल अगर मैं गुलाब के फूल की बात करूँ तो 135 तरह के गुलाब के फूल यहाँ पर बच्चों उगते हैं, तो बहुत शानदार ये है। 135 तरह के गुलाब बच्चों अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, मायने रखी जाती है। और इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग देशों के पेड़ पौधे फूल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उगी हुई हैं। कहीं 100 एकड़ में फैला हुआ है बच्चों, 1000 में कहूँगा मैं। भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट्य फिल्म कौन सी थी? तो बच्चों वो थी आपकी आलमारा। आलमारा यानी कि भारत की पहली फिल्म जो बोलती फिल्म थी। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को बम्बई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित की गई थी। इस फिल्म को आरदेसिर मार्वन ईरानी द्वारा निर्मित किया गया था। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला करेक्ट। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बच्चों गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल यानी कि आपका वेस्ट बंगाल में आयोजित किया जाता है और वहाँ के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। ये एक वहाँ का धार्मिक उत्सव है बच्चों, जो कि जनवरी महीने में मकर संक्रांति के दौरान, कब बच्चों? मकर संक्रांति के दौरान लगता है। कुंभ मेला के बाद गंगा सागर मेला जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यस, तो ध्यान रखना, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कुंभ मेला तो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए फर्स्ट को तो सभी याद रखते हैं, सेकंड को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मेला है हमारे भारत का।
निम्न में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला प्रथम शहर बन गया है? तो बच्चों यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है आपका अहमदाबाद। यस, अहमदाबाद दीवार वाले शहर अहमदाबाद को अहमद शाह ने स्थापित किया था। अहमद शाह ने इसको स्थापित किया था, इसलिए इसका नाम बच्चों अहमदाबाद भी है। यहाँ 1915 से 1930 के बीच, 1915 से 1930 के बीच महात्मा गांधी से जुड़े 26 ASI संरक्षित संरचनाएँ और कई साइटें हैं बच्चों। यहाँ पे महात्मा गांधी जी भी यहीं पैदा हुए थे और हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी भी, वो भी यहीं गुजरात अहमदाबाद से ही हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत की ओर से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित की गई? भारत की ओर से यूनेस्को की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, तो बच्चों कौन सी है? तो दोस्तों यह आपका कुंभ मेला। यूनेस्को द्वारा कुंभ मेला को भारत का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में इस कार्यक्रम को शामिल किया गया है। सूची में कुंभ मेला को पवित्र त्यौहार बताया गया है, जहाँ तीर्थयात्रियों द्वारा पवित्र नदी में डुबकी लगाई जाती है। योग और नौरोज के बाद यह दो वर्षों में तीसरा अमूर्त त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं यहाँ पर। निम्न में से किस शहर को संगीत योगदान के लिए यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में नेटवर्क में शामिल किया गया है? संगीत योगदान के लिए, तो बच्चों संगीत योगदान के लिए आपका चेन्नई शहर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। 72 अब तक बच्चों 72 देशों में 180 शहरों को 72 देशों के 180 शहरों को इस नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है, तो ये एक गर्व की बात है। भारत का प्राप्त करने वाला चेन्नई, जयपुर, वाराणसी, ये तीन भारतीय शहर हैं और चेन्नई अब तीसरा शहर बन चुका है। इससे पहले जयपुर और वाराणसी भी है। क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकते हैं बच्चों, इसलिए आपको सारी बात पता होनी चाहिए। इनमें से कौन सा सही नहीं है? संयुक्ता पाणिग्रही पहला ऑप्शन, ओडिसी नृत्य ये सही है बच्चों। संयुक्ता पाणिग्रही ओडिसी नृत्यकार हैं। शिव कुमार शर्मा बांसुरी वादक, बच्चों नहीं ये गलत है आपका। शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक हैं और ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। यस, राजा रवि वर्मा चित्रकार हैं। उस्ताद विलायत खान सितार वादक हैं, बिल्कुल ठीक है। इनमें आपको मिलान करना है बच्चों, त्यौहार कौन सा कहाँ का है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको कोई एक यहाँ पर क्लियर हो जाए बस बाकी सब आपके क्लियर ही हैं। जैसे कि बच्चों आपका ओणम है, ओणम बच्चों जो त्यौहार है वो है आपका केरल का, यानी कि पहले का डी है, केरल का त्यौहार है। ये एक वार्षिक हिंदू उत्सव है और बच्चों कुचिपुड़ी भी नॉर्मली पता ही है सबको, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, यानी कि कुचिपुड़ी कुछ सामने लिखा हुआ है, तो पहले का डी और दूसरे का बी, पहले का डी और दूसरे का बी बच्चों, ये आपका सेकेंड ऑप्शन लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग ध्यान लगाना है, हालांकि मैं आपको फिर भी बता दूँ बच्चों, गुड़ी पड़वा और पोंगल बच्चों। अब देखो यहाँ पे पोंगल को आप पहले देख लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए बच्चों। पोंगल जो है आपका महाराष्ट्र तो होने से रहा, सिंपल सी बात है, तो बच्चों ये तमिलनाडु का त्यौहार हो गया और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है बच्चों? और कामाख्या मंदिर, ध्यान देना बच्चों, सोमनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर बच्चों जो कि गुजरात में है, जिसको कई बार लूटा भी गया है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी से सारी कहानी मिल जाएगी। तो पहले का सी आपका कंफर्म है, कई बार लूटा गया है इसको, तो बच्चों ये आपका सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में। उसके बाद बच्चों आपका आ रहा है कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर बच्चों आपका पड़ता है गुवाहाटी असम में, तो ये आपका आंसर हो गया आपका पहले का सी दूसरे का ए। आ गए हैं रामनाथ स्वामी मंदिर, तो बच्चों जो रामनाथ स्वामी मंदिर है वो तमिलनाडु के रामेश्वरम में है, और बस उसके बाद जरूरत नहीं आपको क्योंकि आपका आंसर आ ही चुका है डी, तो बच्चों यहाँ आपका आंसर हो जाएगा थर्ड।
स्वांग एक प्रसिद्ध कला है बच्चों, स्वांग यानी कि सांग कहाँ की प्रसिद्ध कला है बच्चों, तो ये आपकी वैसे तो बच्चों ये हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, और हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ से मैं बोल रहा हूँ यहाँ से भी, मध्य प्रदेश में भी इसका काफ़ी क्षेत्र बिलोंग करता है। तो बच्चों यहाँ पर ये एक स्वांग है जो क्या करते हैं बच्चों, उसमें गीत के अंदर नृत्य, या फिर नृत्य में गीत समझ लीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला, नृत्य में गीत और संवाद के साथ इसको शुरू करते हैं बच्चों, और ये नृत्य गीत की एक बहुत ही शानदार अभिमुखी है। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो बच्चों ये आपकी कलाकृति है मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो बच्चों मधुबनी जो है आपकी, ये आपके बिहार राज्य की, कहाँ की? बिहार की एक प्रमुख शैली है, बिहार के मिथिला क्षेत्र की बच्चों, ध्यान रखना मिथिला क्षेत्र, जहाँ पर जनक जी रहते थे, माता सीता के पिता। और ये चित्रकारी परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा ताजी पुताई वाली मिट्टी की दीवारों और झोपड़ी की फर्श पर की जाती है, महिला द्वारा ताजी पुताई वाली मिट्टी की दीवारों और झोपड़ी की फर्श पर की जाती है, लेकिन अब ये चित्रकारी कपड़ों, हाथ से बने कागज और कैनवस पर भी की जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि कशीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत किस राज्य के में प्रसिद्ध है? तो बच्चों कशीदा आपकी कश्मीरी कढ़ाई है, क्योंकि इसको कश्मीरी कढ़ाई के ही नाम से जाना जाता है। और जब बात हो रही है बच्चों कश्मीरी कढ़ाई की, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। कश्मीरी कढ़ाई को कशीदा के रूप में भी जाना जाता है। मनको और धागो, किससे बच्चों? मनको और धागो जैसे साधनों के प्रयोग से बने कसीदा का प्रयोग फिरान यानी कि ऊनी ऊनी कुर्तों, नामदहा, ऊनी कालीन और दुपट्टे आदि के लिए किया जाता है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है अभी, जस्ट इन्हीं क्वेश्चंस में आपका चला गया, यानी कि अभी तक 100 क्वेश्चन पे भी हम नहीं पहुंचे हैं, पर ये वहां पे जा चुका है क्वेश्चन ये वाला बच्चों। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसी को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। यस, समुद्र से 2 किलोमीटर दूर स्थित है और प्राचीन काल से ये बहुत प्रसिद्ध भी है बच्चों। अगर बात कर पहले की बात करें तो प्राचीन काल में समुद्र के बहुत नज़दीक था, लेकिन अभी ये समुद्र से दूर हो गया है। मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा एक नौसंचारण बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, उन्होंने इसे काले रंग के कारण ब्लैक पगोड़ा के रूप में संदर्भित किया। इस मंदिर की चुंबकीय शक्ति है तटों से जहाज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जो पोत भंग का कारण बनता था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कौन सी कला कलम से चित्रकारी की जाती है? कौन सी कला में कलम से चित्रकारी की जाती है? तो बच्चों यह आपका कलमकारी। कलमकारी प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए इमली की कलम से सूती या रेशमी कपड़ों पर की जाने वाली हाथ की पेंटिंग की एक प्राचीन शैली है। कलमकारी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है बच्चों कलम। ध्यान देना बच्चों, कलम का मतलब कलम और कारी का मतलब शिल्प, कारी का मतलब शिल्प, कलम से शिल्प। रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया था? बच्चों ध्यान देना, रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने और रामायण लिखी है आपकी वाल्मीकि जी ने। स्पेशल तौर पर ध्यान रखना ये चीजें, आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके मार्केट में आ रहे हैं। तो बच्चों किस भाषा का इस्तेमाल किया गया था? तो बच्चों रामचरितमानस जो है 16वीं शताब्दी में लिखी गई है, भारतीय भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ये अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य है। बच्चों आपने इसके लिए बहुत सारे भजन भी सुने होंगे, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। यस, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ है राम के कर्मों की गाथा। रामचरितमानस को हिंदी साहित्य की सबसे महान रचनाओं में से एक माना जाता है। थाईपूसम त्यौहार
निम्नलिखित समुदायों में से कौन मनाता है, यानी कि इनमें से कौन समुदाय द्वारा मनाया जाता है बच्चों, तो वह है तमिल। यस, जनवरी और फरवरी के माह में यह त्यौहार मनाया जाता है और पूर्णिमा के दौरान। यस, भारत के हिंदू का त्यौहार है ये हिंदू देवता शिव और पार्वती। शिव मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों को कि त्यौहार का नाम सुन के कहीं आप कुछ और ना समझ बैठे, इसलिए। यस, शिव और पार्वती के पुत्र मुरुगन को समर्पित है। शिव और पार्वती के पुत्र मुरुगन। यस बच्चों, आप कहेंगे कि शिव जी के तो सिर्फ दो ही पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय, तो बच्चों कार्तिकेय का ही नाम है ये मुरुगन। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो बच्चों ये भरतनाट्यम के एक महान नृत्यकार हैं, नृत्य निर्देशिका हैं, प्रशिक्षिका हैं और लेखिका हैं। यस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सितारा देवी का संबंध किससे है बच्चों, तो बच्चों ये कथक शैली के प्रसिद्ध नृत्यकार हैं। और बच्चों एक खास बात और, सितारा देवी को ही रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सम्राज्ञी, नृत्य सम्राज्ञी की उपाधि से सजाया था। और बच्चों इनको कथक क्वीन भी कहा जाता है, कथक क्वीन भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है, यानी कि मुंह पर मुखौटा लगा करके नृत्य किया जाता है, तो बच्चों वो है आपका कथकली। यस, केरल के कथकली नृत्य में व्यापक रूप से रंगीन मेकअप, वेशभूषा और चेहरे पर मुखौटा लगाया जाता है, जो परंपरागत रूप से पुरुष अभिनेता यानी कि पुरुषों द्वारा लगाया जाता है। ये भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, इसमें प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट्स और दक्षिण भारत की एथलेटिक परंपरा को भी शामिल किया गया है। अच्छन महाराज निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है बच्चों, तो अच्छन महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है बच्चों, पंडित जगन्नाथ महाराज जी जिन्हें अच्छन महाराज के नाम से भी जाना जाता है, वे लखनऊ घराने संबंधित थे। लखनऊ घराना, ध्यान रखना का घराना बहुत अच्छी बात रहेगी आपको याद रखना इनके लिए, कई बार घराने भी पूछ लिया जाता है। लखनऊ घराना संबंधित थे और एक महान कथक नृतक थे बच्चों, ध्यान रखना कथक नृतक थे। तो अच्छन महाराज निम्न किस क्षेत्र से संबंधित हैं, अच्छन महाराज भी हो जाएंगे आपके नृत्य संबंधित। यस, क्योंकि ये शिष्य किसके हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है। इनके शिष्य और पिता दोनों एक रहे हैं, वो है पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज इनके पिता हैं। एक सेकंड बच्चों, मुझे माफ़ी चाहिए, कॉल आया है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अगली बात को अपनी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। पंडित भीमसेन जोशी बच्चों, तो ये आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि नॉर्मली सब जानते हैं इनके बारे में। तो बच्चों ये एक हिंदुस्तानी गायक हैं भीमसेन जोशी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में कर्नाटक के एक प्रसिद्ध गायक। और बच्चों गायन के ख्याल के रूप के साथ साथ भक्ति संगीत यानी कि भजन और अभंग भी गाते हैं बच्चों ये। 2009 में इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है। निम्न में से किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की है, तो बच्चों दक्षिणी भारत के सबसे प्रभावशाली गायक और संगीतकार में से एक डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण, ध्यान रखना यानी कि शॉर्टकट में नाम रखेंगे इनका बाल मुरली कृष्ण, यानी कि इन्होंने इसकी स्थापना की है। ओके दोस्तों, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, 126 से आगे क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।